सरकारी डेटा पर देश और विदेश में उठ रहे सवालों को लेकर केंद्र सरकार ने डेटा की क्वालिटी को, गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष हैं प्रणव सेन, जो भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। प्रणव सेन ने डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। डेटा इकट्ठा करने वाले इन कर्मचारियों पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में अब हमले हुए हैं। ये वो डेटा है जो जनगणना के लिए है, जिसे उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं, अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं, नेशनल पीपल्स रजिस्टर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रणव सेन ने कहा है कि सर्वे सिस्टम पहले से ही मुश्किल में है और डेटा इकट्ठे करने वाले कर्मचारियों पर हो रहे हमलों से घरों के बारे में, हाउस होल्ड्स, घरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि हर 10 साल में सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, जनगणना होती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इस दफे मुश्किल हो जाएगा। प्रणव सेन कहते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे के कर्मचारियों पर होने वाले हमले नए नहीं हैं, ये पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस बार नया ये है कि NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम हाउस लिस्टिंग से शुरू हो रहा है। हाउस लिस्टिंग एक बहुत अहम काम है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर जनगणना के लिए काम करने वाले डेटा इकट्ठा करने वालों को ब्लॉक दिए जाते हैं। अगर इस प्रक्रिया में गलती होती है तो इससे पूरा सेंसस ही मुश्किल में पड़ सकता है, सेंसस की जानकारी, उसका डेटा सवालों के दायरे में आ सकता है। आगे प्रणव सेन कहते हैं कि अगर सेंसस की प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई तो अगले 10 सालों तक परिवारों के बारे में हुआ सर्वे भरोसे के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सर्वे सेंसस के आधार पर ही किए जाते हैं। कर्मचारियों पर हुए इन हमलों के बाद कुछ राज्य सरकारों ने इन्हें पुलिस सुरक्षा देने की बात कही है। इस पर प्रणव सेन कहते हैं कि ये कदम समस्या को और बढ़ावा देने जैसा होगा। अगर कर्मचारियों के साथ लोगों को पुलिस दिखेगी तो पुलिस की वर्दी और डंडे के डर तले वो सही जानकारी देने से और कतराएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, आप JNU में प्रोफेसर रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए। आप अर्थशास्त्री हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर प्रणव सेन की चेतावनी आपको कितनी वाजिब लगती है और आप खुद इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, जो प्रणव सेन ने इस समय फ्लैग किया है एक इशू, वो बहुत ही वाजिब है, क्योंकि जो हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं 10 साल के बाद के बीच में, सेंसस, एक सेंसस और दूसरे सेंसस के बीच में, तो तरह तरह का डेटा होता है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितना और जो वेरिएबल्स हैं वो सारे पर डेटा इकट्ठा होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम एक सैंपल बनाएं। वो सैंपल सही तभी बनेगा जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो सही होगा, क्योंकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है, और अगर जो पॉपुलेशन ही गलत होगी तो सैंपल भी गलत हो जाएगा और उसका परिणाम गलत हो जाएगा। तो डेटा की जरूरत पड़ती है कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। पॉलिसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितनी गरीबी है, कितना रोजगार पैदा हो रहा है, कितनी और समस्या आ रही है, कितने घर में काम करने वाले हैं, कितने रिक्शा चलाने वाले हैं, ये सारा डेटा चाहिए होता है। तो अगर आपका बेसिक जो डेटा है पॉपुलेशन का वही गलत हो जाएगा, तो ये जो सैंपल आप बनाएंगे जिसके आधार पर इकट्ठा करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रणव सेन जी ने कहा है वो बिल्कुल वाजिब है कि इस समय जो परेशानी आ रही है डेटा इकट्ठा करने में, वो अगले 10 साल के डेटा पे असर डालेगी और वो रिलायबल नहीं रहेगा। वैसे ही 8 अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे डेटा पे आ चुकी हैं पिछले कई सालों में। उसमें ये भी जुड़ा हुआ है कि जैसे काले धन को बनाने के लिए लोग अपना सही डेटा नहीं देते हैं, दूसरी तरफ जब वो जब पॉपुलेशन को जब टेस्ट करने जाते हैं तो वहां पे गरीब को लगता है कि शायद अगर मैं सही डेटा दे दूंगा तो मुझे कंसेशन नहीं मिलेगा, मुझे सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो वहां पे डेटा की परेशानी आ जाती है। फिर उसी तरह जैसे कि जब सरकार है उसको जो डेटा भाता नहीं है तो वो कहती है कि डेटा ही सही नहीं है, तो वो एक अलग समस्या है कि वो डेटा की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देता है। इस तरह से मेरा मानना है कि 8 अलग अलग तरीके से डेटा पे असर पड़ता है हमारे, और डेटा जब सही नहीं होगा और अब ये जब बुनियादी तौर पे गड़बड़ी आ जाएगी तो फिर हमारी पॉलिसी मेकिंग पे और जो हमारे बजट मेकिंग पे, उस सब पे इसका असर पड़ेगा। अभी हमने देखा कि पिछले साल के बजट में डेटा सही नहीं दिया गया तो उससे इस साल का डेटा गड़बड़ा गया, इस साल का डेटा गड़बड़ा गया तो अगले साल का डेटा गड़बड़ा जाएगा। कितना हमारा टैक्स है, कितना हमारा डेफिसिट है, वो डेटा सही नहीं दिया जा रहा है।
तो इससे सरकार की भी परेशानी है, जनता की भी परेशानी है और तरह की भी परेशानी है जिससे कि हमारा सारा डेटा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। जी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स गलत आ जाएं और हम उसको सही मानकर आगे इलाज करना शुरू कर दें। 1 फरवरी को बजट पेश करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था डेटा मस्ट हैव स्ट्रांग क्रेडिबिलिटी, सरकारी डेटा जो है वो भरोसेमंद होना चाहिए। 2019-2020 के इकोनॉमिक सर्वे में केंद्र सरकार ने विकिपीडिया का डेटा भी शामिल किया था। आमतौर पर विकिपीडिया के डेटा को भरोसे के काबिल नहीं माना जाता। इकोनॉमिक सर्वे में विकिपीडिया के अलावा प्राइवेट एजेंसी से भी डेटा लिया गया है, इनमें बहुत रिप्यूटेड एजेंसीज भी हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ब्लूमबर्ग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, फोर्ब्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डेटा लिया गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पेश हुए बजट में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डेटा में 14 गलतियां थी। इन गलतियों को लेकर इंडिया टुडे ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था। इंडिया टुडे को बिना कोई जवाब दिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेटा सही कर दिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है प्रोफेसर साहब कि डेटा इकट्ठा करने को आउटसोर्स करना, जो मैंने संस्थाएं गिनाई हैं प्राइवेट, चाहे वो विकिपीडिया हो चाहे वो कुछ और हो, डेटा इकट्ठा करने को आउटसोर्स करना सरकारी एजेंसियों की काबिलियत पर किस तरह का कमेंट है? देखिए ऐसा है कि डेटा जो होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, मतलब तरह तरह का डेटा चाहिए होता है। तो ये मेरा मानना है कि सारा डेटा सरकार और उसकी एजेंसियां शायद ना इकट्ठा कर पाए, और जहां पे वो इकट्ठा नहीं कर पाए तो वहां पे हमें ऑल्टरनेट डेटा देखना चाहिए। जैसे कि असंगठित क्षेत्र का डेटा है, अब वो असंगठित क्षेत्र का डेटा 5 साल में एक बार आता है और उसकी मेथोडोलॉजी बदल जाती है, तो अगर उसके हमें नहीं मिल रहा है डेटा सरकारी, तो हमको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ डेटा चाहे CMII हो चाहे ऐसा हो, पर उसको परख के देखना चाहिए। जैसे कि विकिपीडिया का डेटा लेना सही नहीं है, विकिपीडिया में तो कोट करते हैं कि ये ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स में जाके देखना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वो देखना चाहिए। CMII का जो डेटा है, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, बाकी और डेटा है, वहां तो उनका जो सैंपल है वो हमारे NSSO से भी ज्यादा बड़ा सैंपल है, तो उसको हम क्रेडिबल मान सकते हैं। पर लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं जहां पे क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो डेटा लेना मुझे लगता है गलत होगा। पर जैसे आपने कहा कि मेन मुद्दा है कि हमारे डेटा की क्रेडिबिलिटी कितनी है, और निर्मला सीतारमन जी ने बजट में कहा कि हम अपने डेटा को क्रेडिबल बनाएंगे, पर ये जो हो रहा है जो NRC की वजह से, पॉपुलेशन रजिस्टर की वजह से, वहां तो क्रेडिबिलिटी उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी सारे डेटा की, और वो अगले 10 साल तक हमें परेशान करता रहेगा। तो ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो आ गई है वो तो कहीं सॉल्व हो ही नहीं पाएगी, और उसकी वजह से हमारे देश का डेटा है वो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। जी मतलब हम चाहते कि वो नौबत ना आए जिस दिन हमें फेसबुक की किसी की वॉल पर लिखा हुआ डेटा शामिल करना पड़े, या ट्विटर पर कोई डेटा लगा दे वो हमें शामिल करना पड़े, वो नौबत ना आए। हम आगे बढ़ते हैं। भारत के इकोनॉमिक डेटा पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF भी सवाल उठा चुका है। IMF ने भारत के GDP कैलकुलेशन के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। एक मीडिया समिट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल 3 करोड़ लोग विदेश गए लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ 1,50,00,000 लोगों ने दिया। पीएम मोदी ने इस समिट में यह भी कहा कि देश में सिर्फ 3 लाख लोगों ने अपनी आमदनी 50,00,000 से ज्यादा और सिर्फ 2,200 लोगों ने अपनी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा घोषित की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में 97,000 लोगों ने अपनी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा डिक्लेयर की थी, यानी प्रधानमंत्री की सूचना भी गलत निकली। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, प्रणव सेन की सलाह है कि घरों को लेकर ज्यादा जानकारी ना मांगी जाए, बस कुछ ही सवाल पूछे जाएं। उन्होंने कहा है कि लोगों से बस यही पूछा जाए कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, सेंसस में बस इतना ही काफी होता है। आपकी निगाह में क्या क्या पूछा जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि हमें डेटा बहुत तरह का चाहिए, रोजगार का डेटा चाहिए, किस तरह का रोजगार पैदा हो रहा है, असंगठित क्षेत्र में है, संगठित क्षेत्र में है, उनका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शिक्षा कहाँ तक है, और ये सारा डेटा हमें चाहिए क्योंकि हम तरह तरह का डेटा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसके लिए हमें चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ पढ़ता है, किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, फिर हमारे जो स्किल है वो किस तरह का स्किल है। तो मेरा मानना है ये डेटा जरूरी बहुत है।
लेकिन अगर ये लगता है कि वो सारा पूछने की वजह से हमारा डेटा ही गड़बड़ जाएगा तो उस डेटा को कोई महत्व नहीं है। तो कोई हो सकता है कि अलग से सेंसस करना पड़े, पर जो सेंसस के समय जो सेंसस होता है वो काफी मतलब बड़ा सेंसस होता है, उतना बड़ा सेंसस दोबारा करना बहुत ही कठिन होता है। तो अगर ये लग रहा है कि इस समय हमें सही डेटा नहीं मिलेगा तो हमें सिर्फ जनगणना करके छोड़ देना चाहिए, पर इसका यह मतलब होगा कि जो बाकी तरह का डेटा हमारी जो संस्थाएं जनरेट करती हैं, हमारी गवर्नमेंट एजेंसी जनरेट करती हैं, वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हमारा जो NSSO है वो जो बाकी डेटा इकट्ठा करता है वो नहीं कर पाएगा, तो उससे एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा हमारा सारे डेटा सिस्टम पे। तो उसको पूर्ति कैसे होगी ये हमें सोच लेना चाहिए अगर हम ये करते हैं कि सिर्फ जनगणना की तरफ करें। लेकिन क्या आप इस बात से क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो तरीका है, जो भी फॉर्म है या जो तरीका है, उसको सरल बनाया जाए, जानकारी को कम से कम रखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं सिर्फ जनगणना ना सही, फालतू के ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनसे लोगों के दिलों में शक होता है कि माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, इस तरह की चीजें अगर हटा दी जाए तो हो सकता है लोगों का विश्वास बढ़ जाए। सही बात है आपकी, अगर ये होता है, क्योंकि इस समय जो डर है वो यही है कि उनको किस प्रकार से गिना जा रहा है, क्या उनकी सिटीजनशिप खतरे में आ जाएगी, और इसीलिए लोग परेशान हैं और इसीलिए अटैक हो रहा है कि हो सकता है ये लोग सिटीजनशिप का जो मुआयना कर रहे हैं और हो सकता है हमारी सिटीजनशिप छिप जाए। तो सरकार को एक आश्वासन देना चाहिए कि हम वो सवाल नहीं पूछेंगे जिससे कि सिटीजनशिप पे खतरा आए, पर बाकी जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, बाकी जो और चीजें हैं उस पर सवाल किए जा सकते हैं जिससे कि लोगों को ये हो कि भाई ये एक जो पॉजिटिव चीज है, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं जुड़ी हुई है। ये आश्वासन सरकार को देना चाहिए और जो सवाल है जो सिटीजनशिप के सवाल है उनको अलग कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर अरुण कुमार अपना समय हमें देने के लिए। सरकार को आश्वासन तो देना चाहिए, लेकिन आश्वासन के साथ साथ जो उसका दूसरा हिस्सा होता है, सिक्के का दूसरा पहलू, वो भरोसा भी होता है। अगर सरकार पर भरोसा हो तो सरकार का आश्वासन लोग मान लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले अमेरिका के 4 सेनेटर्स ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कश्मीर को लेकर चिंता जताई गई है। सेनेटर्स ने कश्मीर के साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का भी जिक्र किया है। इस चिट्ठी में सेनेटर्स ने लिखा है कि हजारों कश्मीरी आज भी डिटेंशन सेंटर जैसे माहौल में जी रहे हैं, जिसमें कश्मीर के कई बड़े नेता शामिल हैं जो तो हैं ही जेल में। आगे चिट्ठी में लिखा गया है, दीज एक्शंस हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, इन फैसलों का असर बहुत खतरनाक हो सकता है। अब देखना यह है कि अहमदाबाद में गुजराती झूले पर नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर पींगे लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या अपना चुनाव होगा अमेरिका वाला, क्या गुजरात के NRIs होंगे, क्या उनका चुनावी चंदा होगा, या डोनाल्ड ट्रंप जो एक से ज्यादा दफे कश्मीर में दखल देने की कोशिश कर चुके हैं, पेशकश कर चुके हैं, क्या वो अहमदाबाद से कहेंगे केम छो कश्मीर, देखना बाकी है।